हेलो गाइस, आद्रिता विंग्स चैनल सकल को वेलकाम। आम्रा चले एसेछि आज के नालंदा विश्वविद्यालय ध्वंसावशेष देखते। आम्रा जेटा इतिहासेर पाताय पड़ेछि सेटा आज के चोखे देखे आमादेर चोखे देखबो। भीषण एक्साइटेड आम्रा जाच्छि, एखन भेतरे प्रवेश करछि। जदिओ आमादेर किछुई मने नेई, तो आम्रा भेबेछि सेई जन्य एकटा गाइड निये नेब। गाइडेर मुख थेके आपनादेर सब समस्तटा शोनाबो। ওটা ঠিকই আছে, গলা ঝুলা দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা, এদিকে তাকা, সোজা হয়ে দাঁড়াও, সোজা হও। এটা হচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। উড়িয়ে দিয়েছিল, তার ধ্বংসাবশেষটুকু পড়ে আছে। হ্যাঁ, আগেই বলেছি আমরা একজন গাইডম্যান নিয়ে নেব, তো আমরা গাইডম্যানকে পেয়ে গেছি, ওনার মুখ থেকে আমরা শুনে নেব। अब ट्रिप भी करना चाहेंगे तो कर। मेरा नाम सजदानंद शर्मा, गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम पलकदा, नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, और दामा ने देती है जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में तीन विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में, लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूंकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे, उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे। 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों विश्वविद्यालय उस समय भारत में था, भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया, 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया, 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिजली ने इस नालंदा को जलाया, इसे नष्ट किया। 12वीं में नष्ट होने के बाद हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दीवाले देख रहे हैं, एक ज्योग्राफिकल टर्म भूकंप से मिट्टी से ढक गया और इसके ऊपर खेती होने लगी। जैसा कि टीला नुमा सर आप आने के क्रम में रास्ते में दाएं बाएं साइड में देखें, अंदर भी गाइड में दिख रहा हूँ। जब यह पहाड़ नुमा हो गया तो इसकी बत्तक खोज आर्कोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कलिन है। उन्होंने 1861 में हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का भी काम। उनकी डायरी का नाम था CUT, अर्थात भारत यात्रा वृतांत, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर डॉक्टर ए कलिंगन। अंग्रेज के समय में इसकी खुदाई 1915-37 तक 22 वर्ष हुआ, फिर अपनी सरकार ने 74-82
30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 होस्टल 6 मंदिर आप देख पाएंगे। मैं आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं। अकॉर्डिंग टू हिमसंघ की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्न सागर, रत्न नदी और रत्न रंजक। रत्न सागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी, पुस्तकों पर प्रेस की थी। नालंदा को जलाया, नालंदा 6 माह तक जलता रहा, जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है। मैं गाइड आपको दिखाऊंगा तथा यहाँ के स्टोर रूम से जले चावल मिले म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में। सर यहाँ प्रवेश के लिए उस समय 4 भव्य गेट थे, आज का गेट ही बहुत शिक्षित होता है। उस समय गेट कीपर को द्वार पंडित का दर्जा, गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। भयं सांग वर्णन में लिखा फर्स्ट वाबले सेकंड बार एडमिशन हुआ, 10% विद्यार्थी सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। 10% जो अंदर आते थे उन्हें बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन करना होता था, उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय भीतर। चूंकि इसके अगल बगल जो 200 गांव का रेवेन्यू था सभी राजाओं ने डोनेट कर रखा था, घटने पर राजकोष से अनुदान की राशि मिलती थी। सोचिए जहाँ का गेट कीपर ही अपना स्कॉलर हो, आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शीलभद्र थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, नागार्जुन थे, तांत्रिक भी थे, धर्मपाल, अंतरिक्ष शांति देवा, अति दीपंकर आदि विद्वान। हम लोग ये भग्नावशेष के सामने खड़े हैं जो 1600 वर्ष पुराना है और 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। हम लोग सेकंड फ्लोर पर खड़े हैं, हर जगह सेकंड पर घूम सकेंगे। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी सीमेंट का आविष्कार सर नहीं हुआ था, चूना सुर की ईट के पाउडर को सुर्की कहा, चूना सुर की बालू, गुड़, उड़द के दाल और बेल के रस से दीवार। उस समय की दीवार को आप सामने में देखें, उड़द का दाल और गुड़ अभी जनता को खाने के लिए नहीं मिलता, उस समय दीवार में लगता था। वो दीवार अभी खड़ा है और बाद में जो सीमेंटेड हुआ है वो मतलब डैमेज। चलिए मैं आगे दिखाऊंगा होता क्या था। सर 200 वर्ष बीतने के बाद जब डैमेज आना तो रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था, उसको कवर करके ढक करके दूसरा कंस्ट्रक्शन हर्षवर्धन और देवता मिलने। नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी नहीं मिला, यह 10 फीट मोटी दीवार है, काट कर रास्ते का ऊपर से आठ लोग इसे रिपेयरिंग किया। आइए अंदर की ओर में गाइड के एक छात्र, उस समय छात्र को मोंग कहा, मोंग से ही मोनास्ट्रीज हुआ बिहार जहाँ बौद्ध। हर कमरा सर 15 फीट था, 10 फीट को समतल कर वो गेंद बनाया, 5 फीट आप छत पर खड़े हैं। 200 वर्ष बीतने के बाद सर जब डरने जाने हुआ उसे कवर करके ढक करके काटने के कमरे हैं, दरवाजे बंद, बगल में बरामदा आंगन, आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ भी। 7वीं और 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ गए हैं, दूसरे में श्रीमान को देखा मुन्ना। ये बीच का दीवार सर 6 फीट और ये दीवार देखिए 8 फीट पुराना रंगा विद्यालय। इधर भी हॉस्टल है और इधर भी हॉस्टल है, बीच में एक कॉरिडोर है जिससे विद्यार्थी आते और जाते। हेलो हेलो बेटे मेरा आवाज गुल इको हो रहा है मैच की, अगर सोचिए 1600 वर्ष पहले ईट का क्या लगता, बिना मसाला का ईट पर ईट रखा हुआ, जबकि चूना सुर की बालू को उड़द के दाल बेल के पेस्ट पुराना है वो नया लग रहा है। जो 50 वर्ष पहले रिपेयरिंग हुआ है वो ब्लैक के धब्बे हैं और वो देखिए सीमेंट भी इनका क्रैक कर रहा है। हम लोग सेकंड पर चल रहे हैं, आपने दरवाज़ा बंद कुमार गुप्त के टाइम को दिया, ये हर्षवर्धन के टाइम का है सर। और ऊपर देखिए दरवाजा है नौमी जो हर जगह तीनों पार्ट को दिखाएंगे। 5वीं शताब्दी कुमार गुप्त जो मगध के राजा थे, 7वीं हर्षवर्धन कन्नौज थानेश्वर मगध, 9वीं बंगाल के राजा देवपाल आया जाए। भाग है जो टेम्पल है वो नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों पर और नेक वर्क पर है। वो सारे पुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं, स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे। इस स्तूपा के नीचे सर 3 घर, ये देखिए चकोर चबूतरा है, एक चकोर चबूतरा मेडिटेशन के लिए साधना जिससे जोड़ा जाता है। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनों वायलन के लोग नहीं पढ़ते, उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। सर मैंने अभी बताया ये नालंदा 10 किलोमीटर लंबा पाई, लेकिन 1 किलोमीटर की जो खुदाई 30 वर्षों में हुआ है उसके न
नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं, एक मिनट, नक्शे के सामने आकर खड़े 9 किलोमीटर भैया और मीठी से वो सामने देखे टीला नुमा है जहाँ पेड़ पर गार्ड बैठा हुआ, चूँकि इतना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि पहाड़ नुमा था, इसलिए उस भाग को कंपस कर रखा गया। ये नालंदा शहर दो भागों में मिला, एक पूर्वी भाग है मुनासी होस्टल जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, चैत्य माने टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन के चबूतरा। इस साइड में 11 होस्टल मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ सभी गार्डन में है। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा स्थान में, बीच में कोई डोर था। एक चिन्ह इसके बाद 4.5 किलोमीटर दक्षिण और उत्तर की ओर मीठी से दवा है जहाँ घनी आबादी है, और ए साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेम्पल 11 होस्टल मिले हैं। अभी 97 होस्टल और 102 टेम्पल मीठी से दबे हुए। चला जाए सर आगे क्यों रूप से, ये सीमेंट जहाँ देखेंगे वो आर क्लोज कर ले रिपेयरिंग किया। चले छाया में हम लोग चले जाएंगे 2 मिनट के बाद। मेन जो फोटो हाँ वही मेन पढ़ने में है वो वाला वही है ना, वो नेट पर नहीं है, गोल सा रहता है हाँ वो वाला का है, जो गोल सा रहता है ये कर इस साइड से हुआ ये सर आना है। 5वीं शताब्दी मार्ग में जहाँ सामूहिक विद्यार्थी लोग प्रार्थना के लिए 5वीं शताब्दी का सुनिए के नीचे देखिए धनुष की आकृति आप देख रहे हैं, वो कुमारगुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है जिसे सूखा आधे के राजा लोग नेम थे। एक कंक्रीट का लेयर है सर हर्षवर्धन का, उसके ऊपर स्टेप्स रही अब जो वो यहाँ से नीचे से ऊपर जानी है आर्क रोड पर निकाट के 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया। हर 200 वर्षों पर विश्वविद्यालय को बनाया, उस समय सर बिहार बंगाल उड़ीसा से एक ही स्टेट में था, 1905 के बाद बंटवारा हो। चला जाए सर इधर हॉस्टल की ओर चलेंगे, दीदी जी आइए आइए हम लोग छाया में आए उन्नता दे मार माता है नहीं तो सत्य तो नहीं काला काला जो जलने का ईट है दीदी मोम की तरह पिघल गया, उसका फोटो लेना है ले सकती, क्योंकि यहाँ के स्टोर रूम से जले चावल मिले म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में, लेकिन वहाँ फोटो लेना मना है, इसलिए कृपया आप ले लें। हाँ वो जलने का प्रमाण है कि बख्तियार खिली से जान बुझ के जला और ये नालंदा 6 मासिक ये सभी काला काला जो देते सभी जलने का प्रमाण है। हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश करने छाया दीवार के गर्मी में ठंडा और ठंडा। आप लोग यहाँ छत को डिजिटल में देख रहे हैं, चलिए छत में दिखाता हूँ, अभी भी 1600 वर्ष पुराना छत में। सर पैर को कस के दबाइए मारिए, एहसास होगा कि नीचे कमरा कैसे मारिए, आओ कस आगे बढ़ के मारिए,
होता क्या था, 200 वर्ष बीतने के बाद जब दिल्ली जाना उसको ढक करके एक राजा की इम्पोर्टेंस को रखकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन को लोग स्टार्ट कर, एक एक कमरे में एक छात्र रहते थे, हर कमरा 10x10 था और ये बरामदा নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ইতিহাসের পাতায়ও পড়েছি, কিন্তু তখন ছোট ছিলাম এবং তখন বুঝতে পারিনি। আর আজকে গিয়ে সত্যিই দেখলাম যে বিহারে অবস্থিত এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যি আমাদের ভারতের এক মানে রত্ন ছিল। আর যে সেটা হারিয়ে ফেলে আমরা আমাদের যারা উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের বাইরে যাই, সেটা হয়তো আজ থাকলে আর উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যেতে হতো না, এবং খুব কষ্ট হচ্ছিল এটুকু বলতে পারি। তখনকার দিনে যারা এখানে থেকে পড়াশোনা করতো এবং এখানকার যে পাতকুয়ো, পাতকুয়োটা এখনও সংরক্ষিত হয়ে আছে, এই যে এটা জাল মতো দিয়ে ঘেরা আছে, এই এখান থেকেই সবাই এই পাতকুয়োর জল খেত। জল আছে, এই দেখো অনেক কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশোনা করতো তারা জল একজন चूंकि नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला, उस पेड़ में मरना जरूरी था, यातायात का साधन नहीं था, डेड बॉडी को भेजा जा सकता, यहीं जलाकर राख को ऊपर में शमा दे, हिंदुओं को मरने के बाद जलाकर उनके राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है, बौद्ध धर्म में जलाकर राख को शमा दे, और यह सारी Thank you.
सभी मंदिर सारे एक समान, वो साइड में सभी हॉस्टल है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, और ये साइड में सभी टेम्पल। अब आप लोगों के पास समय है घूमना या फोटो जा सकते हैं, रोड से ही जाएंगे उधर से एक रास्ता है, नहीं तो मैप से बाहर इसका मॉडल भी बना करके म्यूजियम के लिए। এই মন্দির 26,000 বছর পুরনো, আর এটা তো 16,000 বছর পুরনো মন্দির। সত্যি তাই, বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে মানুষ কত মানে উন্নত হতে পারতো, তখনকার দিনের মাথায় এত বুদ্ধি যে এখানে বই রাখতে হবে, এইখানে এই করবে বাচ্চারা, এই আরে এইসব ভর্তিগুলো উপরে উঠে নিচে উঠে দুই দিন লাগবে। ওই দিকেও রয়েছে জানিস, কি বললো তো 10 কিলোমিটার লম্বা আর 5 কিলোমিটার চলে তো বুঝিস, একদম তাও তো এর 3-4% তাই না বল। তুই যে মাল ইয়েতে দেখতে দেখতে পাচ্ছিস আশেপাশে, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো ভিডিওটা।